अच्छा नमस्कार। देखिए बच्चों, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन। आज हम इस कक्षा में ये जो पाठ है इसके अवसान की ओर, इसके अंत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लेसन। ये जो पाठ है बच्चों, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ से। यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 79 के ऊपर सबसे नीचे वाला पार्ट देखेंगे आप। धरना बंद ओब्लिग रेल रोको, धरना बंद ओब्लिग रेल रोको। तो देखो बच्चों, लिखा हुआ है हिंदी का शब्द, इसलिए कहीं लिख दिया साहब रेल रोको, धरना बंद है ना, या रेल रोको। आप जानते हो बच्चों, आर ए आई एल रेल का मतलब जो है वो रेल जो आती है ना, उसको रेल नहीं कहते हम, रेल एक्चुअली पटरी को कहते हैं। पटरी जो होती है वो रेल होती है, और जब भी रेल पटरी पर से उतर जाती है तो आप इसको कहते हैं डी रेल। ठीक है, आप कहते हो ट्रेन डीरेल्ड। डीरेल्ड का मतलब ट्रेन जो अपनी पटरी पर से उतर गई। तो आर ए आई एल रेल का मतलब जो छुक छुक करके आती है उसे कृपया रेल न समझा जाए, दैट इज नॉन टू बी ट्रेन। आप उसको ट्रेन कहते हैं, ठीक है। डिब्बे के पीछे डिब्बा, डिब्बे के पीछे डिब्बा, डिब्बे के पीछे डिब्बा होता है, इसलिए आप उसको ट्रेन कहते हैं। जैसे मोर होता है, तो मोर के जो पंख होते हैं बच्चों, पंख के पीछे पंख, पंख के पीछे पंख, एक प्रकार का सिलसिला होता है, दैट्स व्हाई यू कॉल इट, आप इसको क्या बोलते हैं, ट्रेन ऑफ फेदर्स। ठीक है, मोर के पंख जो पीछे होते हैं उनको आप कहते हैं ट्रेन ऑफ फेदर्स। ट्रेन ऑफ फेदर्स का मतलब होता है पंखों का सिलसिला। तो पंखों का सिलसिला, डब्बों का सिलसिला, तो आप जो डिब्बों का सिलसिला होता है उसको ट्रेन कहते हैं। और जिस मार्ग के ऊपर से हैं, जिस पथ के ऊपर से हैं, वह लौह पथगामिनी अग्रसर होती है, उसे आप रेल कहते हैं। ये तो हिंदी का शब्द यहाँ कहीं लिख दिया गया है। देखना बच्चों, द इजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। देखो बच्चों, जब भी हमें विरोध करना होता है, वेन वी वॉन्ट टू प्रोटेस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिसीज ऑफ द एम्प्लॉयर, समझ गए। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको नौकरी देता है, और एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी करता है, नियोक्ता होता है ना। तो हम ये बताना चाहते हैं बच्चों आपको, कि जब भी आप अपने नियोक्ता का विरोध करना चाहते हैं, या जब भी आप सरकार का विरोध करना चाहते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध दो प्रकार से किया जाता है। एक ऐसा विरोध है जिसके अंदर बच्चों आप काफी जानमाल का नुकसान करते हो, है ना। कई दिनों पहले एक आंदोलन चला था, है ना, गाना भी खूब बनाता जी ने, पटरी जा रुखारी और दुनिया देखती रहेगी, है ना। तो कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जो थे, उन्होंने क्या किया था, रेल की पटरी को उखाड़ दिया था, और ऐसा करने से जान और माल का बहुत अधिक नुकसान हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, कि पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों से हम ये आशा नहीं करते कि वो कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे हमारे राष्ट्र की जान और माल की क्षति हो। और अगर कोई आदमी ऐसा कह करके, ऐसा कार्य करके अगर अपने आप को मानता की श्रेणी में गिनता है, या उस समुदाय विशेष के लोग अगर उसको एक बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में अगर उसका उसका नाम शुमार करते हैं, तो ये बुद्धिमानी का प्रतीक किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। ये तो हमारी मूर्खता है, ये तो हमारी बेवकूफी है। इज इट क्लियर। तो अगर आपको विरोध करना ही है, अगर आपको सरकार की जो नीति है उनका विरोध करना है, तो कुछ इस प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके भी अख्तियार किए जा सकते हैं जिनसे विरोध भी मुमकिन हो, विरोध भी हो जाए, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति के कान भी खुल जाएं, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो सूचना है वो जहां तक आप संप्रेषित करना चाहते हैं वहां तक वो सूचना संप्रेषित भी हो जाए, और सामान्य व्यक्ति का, आम आदमी का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। सपोज दैट, मानो अगर आपने ट्रेन की जो पटरी है उसको उखाड़ दिया है, तो इससे पता क्या होगा, इसे कई ऐसे लोग हैं जिनके कई जरूरी काम जो वो बाधित हो जाएंगे। कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर जा रहा है एंड ही हैज एन अर्जेंट अपॉइंटमेंट टू मीट समबडी, किसी आदमी से मुलाकात करने के लिए अगर उसने मान लो एक तय समय लिया हुआ है, तो बच्चों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप ये भी मान सकते हैं कि ट्रेन में कोई पेशेंट है, सीरियसली इल, वो बड़ी गंभीरता के साथ बीमार है, बड़ी गंभीरता मतलब बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, और उसे डॉक्टर के पास जाना है, और आपने बीच के अंदर बाधित कर दिया तो बेचारा तो मर जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कौन से तरीके अख्तियार करें, विच वेज शुड बी अडॉप्ट, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हम अख्तियार करें जिनसे क्या हो, जिनसे शांति भी कायम रहे, जिनसे अमन भी कायम रहे, और जिनसे आपका जो दर्द है वो दर्द भी उस जगह तक पहुंच जाए जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, आपको पता है बच्चों, कई सालों पहले महात्मा गांधी ने क्या किया था,
महात्मा गांधी जो है वो सत्याग्रह करते थे, वो अनशन करते थे। अनशन का मतलब होता है जो अन्न प्लस अशन, अन्न प्लस अशन, अशन का मतलब अन्न होता है, तो वो निराहार रहते थे, वो भोजन नहीं करते थे, वो अपनी आत्मा को अपने शरीर को कष्ट देते थे। और ऐसा करके वे उन आतताइयों को कार्यवाही करने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। सरदार भगत सिंह के बारे में आपको पता है कि जब उन्होंने असेंबली के अंदर बम डाला था तो उनका जो विरोध करने का तरीका था वो अपने आप में नायाब था। वो जो बम उन्होंने फेंके थे वो बम विनाशक नहीं थे, और उन्होंने बाद में पर्चे बांट करके लोगों को ये बताया भी कि हमारा उद्देश्य किसी को जान माल का नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो हम तो उन बहरे लोगों तक अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं जो सुनने की शक्ति को खो चुके हैं, जो जो करुणा है उस करुणा को खो चुके हैं, जिनके पास भी सुनने की शक्ति नहीं है, तो हम उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी विरोध करने का तरीका था, और ये तरीका बच्चों अपने आप में कैसा था, ये तरीका अपने आप में नायाब था। तो ऐसे भी कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं, जैसे द इजीएस्ट वे। इजी माने बच्चों सरल होता है, इजियर माने सरलतर होता है, और इजीएस्ट का मतलब सरलतम होता है। इज इट क्लियर? तो द इजीएस्ट वे का मतलब होता है सरलतम तरीका। और आइए बच्चों, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए कि एक शब्द होता है बच्चों वे, और एक होता है की। इन दोनों शब्दों के बाद जनरली ऑफ का प्रयोग करना गलत और टू का प्रयोग करना सही माना जाता है। उदाहरण से मैं अपनी बात क्लियर करता हूं, बोल के बताऊंगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस बोलते हैं हम। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस नहीं बोलते, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस का मतलब होता है कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। उसी प्रकार से बच्चों मैं आपको कहता हूं, प्लीज टेल मी द वे टू द सिटी पैलेस, प्लीज टेल मी द वे टू द सिटी पैलेस, कृपया मुझे सिटी पैलेस का रास्ता बताइए। मैंने ये तो नहीं कहा कि प्लीज टेल मी द वे ऑफ द सिटी पैलेस, समझ में आ रहा है? वे और की ऐसे शब्द हैं बच्चों, दैट शैल बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। इनके बाद जो प्रीपोजिशन है वो टू आएगा, तथा ऑफ का प्रयोग अगर हुआ है तो वो गलत हुआ। आगे समझे? तो द इजीएस्ट वे माने जो सरलतम तरीका है, टू गिव वेंट। गिव माने होता है बच्चों प्रदान करना, और वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति प्रदान करने का सरलतम तरीका है टू अवर प्रोटेस्ट। वेंट टू अवर प्रोटेस्ट का मतलब हमारा जो विरोध है, हमारे विरोध को अभिव्यक्त करने का सरलतम तरीका है, हमारे विरोध को अभिव्यक्ति प्रदान करने का सरलतम तरीका इज माने है। देखो बच्चों, यहां जो मूल शब्द है वो वे है, इजीएस्ट वे, और वे चूंकि सिंगुलर है इसीलिए इज आ रहा है। जब कर्ता बड़ा हो, जब कर्ता काफी बड़ा हो, तो बच्चों आपको हेड वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। हेड वर्ड का मतलब जो मूल शब्द है उसको पकड़ना पड़ेगा, वही बच्चों इस बात को डिसाइड करेगा कि उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो यहां बच्चों जो हेड वर्ड है वो क्या है, वो वे है और कुछ नहीं है, ना? तो द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू अवर प्रोटेस्ट इज हमारे विरोध या हमारी खिलाफत को अभिव्यक्ति प्रदान करने का सरलतम तरीका है क्या, टू स्टेज ए धरना। स्टेज का मतलब बच्चों रंगमंच होता है, लेकिन यहां स्टेज का मतलब होता है टू सिट ऑन ए धरना माने धरने पर बैठना। स्टेज का मतलब बैठना है, पर बैठना। तो हमारे विरोध को अभिव्यक्ति प्रदान करने का सरलतम तरीका है धरने पर बैठना, और कॉल फॉर ए बंद, और कॉल फॉर ए बंद या किसी बंद का आह्वान करना। कॉल के बाद बच्चों फोर जोड़ा आपने, देखो आप, यह है सी ए डबल एल कॉल, और आगे लगा दिया आपने फोर। तो बच्चों ये फ्रेजल वर्ब बन गई है, और इसका मतलब होता है हिंदी में देखना, ये आ, ये अलंत लगाओ, आह्वान, ठीक, आह्वान, ये हो गया आह्वान करना, ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे विरोध को अभिव्यक्त करने का सरलतम तरीका है धरना, धरने पर बैठना, या किसी बंद का आह्वान करना, और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन या रेल रोको प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेशन शब्द को अंडरलाइन कीजिए बच्चों, इस पूरे शब्द का मतलब होता है प्रदर्शन। आगे बढ़े, द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट। देखो बच्चों, मेक द मोस्ट क्या है, मेक द मोस्ट इसका मतलब होता है बच्चों टेक द मैक्सिमम बेनिफिट, टेक द मैक्सिमम बेनिफिट, यानी जो आंदोलनकर्ता होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, दे टेक द मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब अधिकतम लाभ उठाते हैं। द एजिटेटर्स का मतलब आंदोलनकर्ता, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। शो का मतलब भी प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब भी प्रदर्शन होता है, डिस्प्ले का मतलब भी प्रदर्शन होता है, एग्जीबिशन का मतलब भी प्रदर्शन होता है। आगे समझे?
तो आंदोलनकर्ता ऐसे प्रदर्शनों का अधिकतम लाभ उठाते हैं। दीज डिवाइजेज का मतलब ये तरीके, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, कोजिंग इनकन्वीनियंस माने ये तरीके असुविधाकारित करने के अलावा। दीज डिवाइजेज बिसाइड्स कोजिंग इनकन्वीनियंस का मतलब ये तरीके असुविधाकारित करने के अलावा, नहीं, समटाइम्स इररिपेयरेबल डैमेज, समटाइम्स कोजिंग अंडरस्टूड इसमें, समटाइम्स कोजिंग इररिपेयरेबल लॉजेज का मतलब होता है बच्चों, कभी कभी ये क्या करते हैं, अपूर्णीय क्षति भी कारित करते हैं। अपूर्णीय इररिपेयरेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, जिसकी क्षति, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, अपूर्णीय क्षति। तो ये जो तरीके हैं, ये जो डिवाइजेज अर्थात ये जो तरीके हैं, ये असुविधाकारित करने के अलावा नहीं, बल्कि क्या होता है, बल्कि जो है ये अपूर्णीय क्षति कारित करने के अलावा टू इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों को, ये तरीके असुविधाकारित करने के अलावा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि व्यक्तियों को अपूर्णीय क्षति कारित करने के अलावा क्या करते हैं, ये देखो इमेंस लॉस टू द नेशन, अर्थात ये राष्ट्र का बहुत अधिक नुकसान करते हैं, ये राष्ट्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। देकोज अर्थात वे पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाते हैं, वे पहुंचाते हैं इमेंस लॉस का मतलब होता है वे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, टू द नेशन अर्थात वे राष्ट्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो ऐसे तरीके हैं ये न केवल हमको असुविधाकारित करते हैं, बल्कि ये न केवल व्यक्तियों को अपूर्णीय क्षति कारित करते हैं, अभी तो ये राष्ट्र का बहुत अधिक, ये क्या करते हैं, राष्ट्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इमेजिन, कल्पना करो, इमेजिन मानी सपोज, आप इस बात की कल्पना करो, संबंध यानी कोई व्यक्ति इस सीरियसली सिक, कल्पना करो कि कोई आदमी बेहद बीमार है, सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, समझ गए आप। तो इमेजिन, कल्पना करो, संबंध सीरियसली सिक, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, Another agent, inescapable appointment, और जो दूसरा आदमी है बच्चों, उसे किसी व्यक्ति से क्या करना है, उसे किसी व्यक्ति से जो है अनिवार्य रूप से मिलना है। आप ये देख रहे हैं, inescapable का मतलब अर्जेंट होता है, unavoidable that cannot be avoided, अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है उसे अपरिहार्य रूप से किसी से मुलाकात करनी है, उसने किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अपरिहार्य समय लिया हुआ है, जिसको परिहार नहीं किया जा सकता, त्याग उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजंस एट होम, और बच्चों एक दूसरा आदमी ऐसा है जिसके घर पे खाने का सामान ही नहीं है, वो जा रहा है बेचारा बस में बैठ करके, आप उसका रास्ता रोके बैठे तो बताओ उसके घर वाले तो भूखे मर जाएंगे ना, तो ये बताया गया। एंड स्टिल अनदर, स्टिल मानी होता और, एंड यानी और, स्टिल मानी होता अभी भी, एंड स्टिल अनदर, और अभी भी एक दूसरा आदमी और है, नो प्रोविजंस एट हिज होम, जिसके घर पर बिल्कुल प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन का मतलब जानते हो बच्चों, खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, जिसके घर पर जो है खाने पीने का बिल्कुल भी सामान नहीं है, ठीक है। हु बोदर्स, कौन परवाह करता है, हु बोदर्स का मतलब होता है बच्चों कौन परवाह करता है, फॉर अदर्स माने दूसरों की, हु बोदर्स फॉर अदर्स यानी कौन परवाह करता है दूसरों की लेजिटिमेट न्यायोचित नीड्स का मतलब जरूरतें, दूसरों की न्यायोचित जरूरतों की कौन परवाह करता है, हु बोदर्स हु केयर्स, कौन परवाह करता है फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स या अदर्स जस्ट नीड्स। जस्ट का मतलब होता है बच्चों न्यायोचित, जस्ट का मतलब क्या होता है, न्यायोचित होता है, जस्टिस माने न्याय होता है। तो जो अन्य लोगों की जो जस्ट नीड्स है, जस्ट नीड्स का मतलब होता है कि अन्य लोगों की जो न्यायोचित जरूरतें या न्यायोचित आवश्यकताएं हैं उनकी परवाह कौन करता है, यहां तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वो अपने घर में दिया जलाने के चक्कर में दूसरे के घर में अंधेरा कर रहा है, परंतु उसे इस बात का जरा भी मलाल नहीं है। हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स यानी कौन है जो दूसरे लोगों की न्यायोचित आवश्यकताओं की परवाह करता है। यहां बच्चों आपने देखा हु के बाद में डज नहीं आ रहा है, सीधा बोदर्स आ रहा है, आपने देखा हु के बाद में डज नहीं आ रहा, सीधा बोदर्स आ रहा है, तो ये बात आप अच्छे समझ लीजिए बच्चों कि हु का प्रयोग जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा तो उसके बाद में डज या डू का प्रयोग नहीं होता, अपितु सीधे वर्ब का प्रयोग होता है, और अगर पास्ट टेंस है तो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे हु किल्ड रावण, ऐसा तो आप कभी नहीं बोलते कि हु डिड किल रावण, क्लियर। तो ये देखिए बच्चों आप, Who bothers for others legitimate needs?
वन रिमेन्स वंडरस्ट्रक, कोई आदमी जो है क्या करता है वो चक्का रह जाता है। वन रिमेन्स यानी कोई कोई भी व्यक्ति रह जाता है वंडरस्ट्रक का मतलब आश्चर्यचकित या चक्का रह जाता है। टू सी ये देख करके दैट की कोई भी आदमी ये कोई भी आदमी ये देख करके बहुत चक्का रह जाता है कि समटाइम्स सच बंद्स आर स्पॉन्सर्ड, कि कभी कभी ऐसे बंद जो है बच्चों दे आर ऑर्गेनाइज्ड अर्थात वे आयोजित किए जाते हैं इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल। हम ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हम ये देख करके हैरान रह जाते हैं, ये देख करके हमको बड़ा ताज्जुब होता है कि अनपढ़ और गंवार लोगों की बात तो छोड़िए, कई बार जो बहुत जिम्मेदार जो उत्तरदायी अर्थात जो रिस्पॉन्सिबल पर्संस हैं उनके द्वारा इस तरीके के बंद आयोजित किए जाते हैं। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, राष्ट्र का जवाबदार व्यक्ति जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के कुत्सित कार्य करने में संलग्न हो जाता है। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु हम इससे पहले लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो देखो बच्चों यह एक शब्द है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित किया जाता है। तो हम यह देख करके कई बार जो है वी रिमेन वंडरस्ट्रक और वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड। हमको यह देख करके टू सी यह देख करके हमको बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है दैट समटाइम्स की कभी कभी क्या होता है सच बंद आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय द रिस्पॉन्सिबल पीपल। कि कई बार जो ऐसे बंद होते हैं बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल पीपल होता है जो जवाबदार जिम्मेदार लोग हैं, है ना, उन लोगों के द्वारा इस तरीके के बंद आयोजित किए जाते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रूव देयर सेल्फिशनेस, इन ऑर्डर टू प्रूव देयर ग्रीड, उनका लालच जो है बच्चों उनका उनके स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वे ऐसा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ओकेजनली यानी बच्चों क्या लिखा बोर्ड पर, कभी कभी। ये बच्चों बोर्ड पर लिखना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि ओकेजनली की स्प्रिंग को आप जरा गौर से देखेंगे, इसमें बच्चों डबल सी आ रहा है लेकिन एस डबल नहीं आ रहा है, ठीक है।
ये बच्चों परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछते हैं तो कई बार यूं करते हैं, ओ डबल सी ए डबल एस या ओ सी सिंगल करके यहाँ डबल एस कर देते हैं। तो आप ये देर ध्यान से देखो, सी डबल है, एल डबल है, लेकिन एस सिंगल है बच्चों। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन यानी कभी कभी ये जो प्रदर्शन होते हैं। लेजिटिमेट का मतलब बताया आपको, एचटी एडजस्ट है ना बोर्ड पे लिखा हुआ। तो ओकेजनली यानी कभी कभी दीज डेमोन्स्ट्रेशन यानी कभी कभी ये प्रदर्शन बिकम वॉयलेंट, कभी कभी ये प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं। समटाइम्स दीज डेमोन्स्ट्रेशन और समटाइम्स दीज शोज, ये जो शोज है बच्चों, ये जो प्रदर्शन है, ये क्या हो जाते हैं, समटाइम्स दे बिकम वॉयलेंट, समटाइम्स दे बिकम वॉयलेंट यानी कभी कभी वे उग्र हो जाते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं, हिंसक रूप धारण कर लेते हैं, कोजिंग फर्दर लॉस, और अधिक नुकसान पहुंचाते हुए। कोजिंग का मतलब होता है पहुंचाते हुए, फर्दर लॉस मानी और अधिक नुकसान पहुंचाते हुए टू द नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति को, एंड ह्यूमन लाइफ और मानव जीवन को, राष्ट्रीय संपत्ति तथा मानव जीवन को, राष्ट्रीय संपत्ति तथा मानव जीवन को और अधिक नुकसान पहुंचाते हुए, राष्ट्रीय संपत्ति तथा मानव जीवन को और अधिक नुकसान पहुंचाते हुए कभी कभी ये प्रदर्शन बड़े उग्र हो जाते हैं, अर्थात बड़े हिंसक हो जाते हैं। कांट वी थिंक ऑफ सूटेबल डिवाइस, हम ऐसे उचित तरीकों के बारे में नहीं सोच सकते क्या? ये बच्चों मॉडल है, मॉडल से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। कैन वी डू दिस, क्या हम ये काम कर सकते हैं? कांट वी डू दिस, क्या आप इस काम को नहीं कर सकते? आई बात समझे? एक बात ये भी समझो बच्चों कि कैन के साथ नोट आया है और कैन जो है नोट के में जुड़ा हुआ आया है। अगर मैं सेंटेंस को यूं कहूं कि कैन नॉट वी, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब समझाना मुझे यह है कि नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं होता, और अगर हो रहा है तो सहायक क्रिया में जुड़कर होगा। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं होता, अगर हो रहा है तो सहायक क्रिया में जुड़कर होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। लेकिन नॉट का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट के बाद होता है, और जब सब्जेक्ट के बाद होता है तो सहायक क्रिया में जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, और आई डोंट लाइक दिस, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, बोथ आर राइट। लेकिन मैंने आपको कहा कि डू, मैंने आपको कहा डोंट यू लाइक दिस, ये तो सही है। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि डू नॉट यू लाइक दिस, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया है बच्चों, तो दैट शैल बी यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चों, जो ऑपरेटर है उसके साथ में, उसका प्रयोग आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में करना चाहिए इफ यू आर यूजिंग इट जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, तो कांट यहां लिखा, देखो बच्चों, कांट वी थिंक ऑफ, ये भी एक ध्यान देने लायक बात है बच्चों कि थिंक के बाद में आपको ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। देखो ये है, ये थिंक एक, ये क्या है बच्चों, ये वर्ब है, और आप इसके बाद में या तो ऑफ लगाते हो या कभी कभी अबाउट लगाते हो, दोनों ही सही हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि थिंक अबाउट, ये भी सही है, थिंक ऑफ ये भी सही है। आपने कभी ये कहानी तो पढ़ी है, ही थॉट ऑफ ए प्लान। तो थॉट क्या है बच्चों, थिंक की सेकंड फॉर्म ही तो है, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। तो ऑफ का मतलब बारे में होता, अबाउट का मतलब बारे में होता, थिंक के साथ ऑफ का प्रयोग तथा अबाउट का प्रयोग, दोनों प्रयोग सही माने जाते। ओके, तो हमने कहा कि कांट वी थिंक ऑफ ए सूटेबल डिवाइस, क्या हम किसी उचित तरीके के बारे में नहीं सोच सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग और प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए। क्या हम हमारे विरोध को, क्या हम अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए किसी उचित तरीके के बारे में नहीं सोच सकते हैं विदाउट कोजिंग, विदाउट कोजिंग इनकन्वीनियंस, यानी बिना दूसरों को असुविधा, टू अदर्स का मतलब दूसरों को, यानी बिना दूसरों को असुविधा, एंड लॉस टू द नेशन, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी क्या हम बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए, हम बिना दूसरों को असुविधा व राष्ट्र को नुकसानकारित किए बिना हम अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या कोई उचित तरीका नहीं सोच सकते हैं? उदाहरण दिया जा रहा है बच्चों, जापान एक देश है, हमसे थोड़ा अपेक्षा कर थोड़ा ज्यादा शिष्ट होगा। तो वहां बच्चों एक फैक्ट्री है, एक कारखाने में काम करने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक लोग थे, तो एक बार उन्होंने क्या किया, अपना विरोध किया, और अपना विरोध करने के लिए उन्होंने ये किया कि जो वो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर जो श्रमिक थे बच्चों, जूते बनाते थे, तो अपना विरोध अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने केवल एक ही पांव का अलग अलग नंबरों का, एक ही पांव का अलग अलग साइज का जो है, अलग अलग साइज के जूते उन्होंने बनाए और दूसरे पांव के नहीं बनाए। और बाद में जब मैनेजमेंट से उनकी सुलह हो गई, समझ गए, जब बाद में जो है मतलब कि डिस्प्यूट वो सेटल्ड, जब डिस्प्यूट सेटल हो गया, अर्थात जो है विवाद जब निपट गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बाकी जो दूसरा वाला पांव था, तो उस एक पांव के जो जूते थे उसकी साइज से मैच करने वाले दूसरे जूते बना दिए। तो इससे बच्चों ये हुआ
कि जो मील का मालिक था, जो फैक्ट्री का मालिक था, कारखाने का मालिक था, उसको नुकसान कुछ समय के लिए हुआ, लेकिन बाद में उस नुकसान की भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, नुकसान भी नहीं हुआ। और उन्होंने अपना जो विरोध है उस विरोध को क्या दे दिया, उसने उन्होंने अपने विरोध को मूर्तिमान रूप भी दे दिया। वे लोग जो है अपना विरोध भी कर पाए, है ना, अपनी आवाज भी उन्होंने वहां तक पहुंचाई जिस माध्यम से वो पहुंचाना चाहते थे। और दूसरी बात बच्चों यह है कि किसी प्रकार का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसको कहते हैं बुद्धिमानी। बताया गया इन जापान, यानी जापान में द वर्कर्स का मतलब श्रमिक ऑफ ए शू फैक्ट्री। जापान में एक जूते के कारखाने में कार्यरत श्रमिकों ने, जापान में एक जूते के कारखाने में कार्यरत श्रमिक वांटेड, यानी चाहते थे टू डेमोस्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, अर्थात वे अपने विरोध को प्रदर्शित करना चाहते थे। जापान में एक जूते बनाने वाले कारखाने में कार्यरत श्रमिक अपने विरोध को प्रदर्शित करना चाहते थे। दे मेड शूज, उन्होंने जूते बनाए, और ऑफ डिफरेंट साइजेस का मतलब होता ऑफ वेरियस नंबर्स, उन्होंने अलग अलग नंबरों के जूते बनाए, उन्होंने अलग अलग नंबरों के जूते बनाए। ऑफ राइट फुट ओनली, सिर्फ दाएं पांव के, उन्होंने क्या किया, सिर्फ दाएं पांव के अलग 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 नंबरों के जूते बनाए, उन्होंने सिर्फ दाएं पांव के, उन्होंने सिर्फ दाएं पांव के अलग अलग नंबरों के जूते बनाए। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, जब डिस्प्यूट सेटल्ड हो गया, या जब विवाद निपट गया, जब विवाद निपट गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, अर्थात उन्होंने बाएं पांव के जूते बनाए। जब विवाद निपट गया तो उन्होंने बाएं पांव के जूते बनाए, 10 कंप्लीटिंग पेयर्स। और इस प्रकार से उन्होंने जूतों के युग्म, या जूतों के जो जोड़े हैं वो जूतों की जोड़ियां उन्होंने पूरी कर दी। इस प्रकार से क्या किया बच्चों उन्होंने, इस प्रकार से उन्होंने जूतों की जोड़ियों को पूरा करते हुए, जब विवाद निपट गया तो इस प्रकार से जूतों की जोड़ियों को पूरा करते हुए उन्होंने जो बायां पांव हैं उसके जूते भी बना दिए। और यहां बच्चों ये बताया गया है कि देखो आप, इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस, इससे असुविधा तो हुई। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस का मतलब यह हुआ कि इससे असुविधा तो हुई, टू नन, पर किसी को भी नहीं हुई। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन का मतलब इससे किसी को भी कोई असुविधा नहीं हुई, इससे किसी को भी कोई असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस, और प्रारंभिक नुकसान, टू द ओनर्स, लॉस टू द ओनर का मतलब लॉस ऑफ द ओनर्स, यानी मालिकों का जो प्रारंभिक नुकसान था, दैट वॉज मेड गुड, यानी दैट वॉज रिम्बोर्स्ड, अर्थात उसका क्या हो गया, पुनर्भरण हो गया, उसकी भरपाई हो गई, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सब देखना बच्चों, मेक गुड, मेक गुड का मतलब होता है बच्चों क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं, एक शब्द बता रहा हूं, REIMBURSE, रिम्बर्स का मतलब होता है बच्चों क्या, पुनर्भरण। और मजे की बात बच्चों यह है कि रिम्बर्स के बाद भी कभी बैक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रिम्बर्स के बाद भी कभी बैक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, जब डिस्प्यूट, यानी जब विवाद निपट गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, उन्होंने बाएं पांव के जूते बनाए, 10 कंप्लीटिंग पेयर्स, इस प्रकार से जूतों के जोड़ों को पूरा करते हुए, इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड, और क्या हुआ, और जो इनिशियल लॉस था, अर्थात जो प्रारंभिक नुकसान था बच्चों, दैट वॉज रिम्बर्स्ड, अर्थात उसका उसकी भरपाई हो गई। ए लिटिल लेटर का मतलब, ए लिटिल का मतलब जानते हो, लिटिल मानी तो नेगेटिव, और ए लिटिल का मतलब पॉजिटिव। ए लिटिल लेटर का मतलब होता है कुछ समय पश्चात, और कुछ ही समय पश्चात क्या हुआ, और थोड़े ही समय पश्चात बच्चों ये हुआ, थोड़े ही समय पश्चात ये हुआ कि जो उनको, जो मालिकों को नुकसान लगा था, उस नुकसान की भरपाई हो गई। जल्दी जो है, मालिकों को जो नुकसान लगा था उसकी भरपाई हो गई। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली का मतलब होता है बच्चों विकल्प के रूप में। यह एक चीज आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि आप जानते हो अल्टरनेटिव यानी क्या होता है, विकल्प होता है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प होता है। और अल्टरनेटिवली का मतलब होता है बतौर विकल्प या विकल्प के रूप में, एज एन अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक विकल्प के रूप में। तो देखो बच्चों, यह बताया गया है कि अल्टरनेटिवली यानी एक विकल्प के रूप में क्या हुआ, द प्रोटेस्टर्स मे फॉलो, एक विकल्प के रूप में जो विरोध करने वाले लोग हैं, दे मे फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, वे सत्याग्रह के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। समझ में आ रही है, विकल्प के रूप में विरोध करने वाले लोग सत्याग्रह के मार्ग या
हंगर स्ट्राइक का मतलब भूख हड़ताल का अनुसरण कर सकते हैं शौन भाई महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा बतलाया गया था। यानी विकल्प के तौर पर विरोधी विकल्प के तौर पर विरोध करने वाले लोग महात्मा गांधी के द्वारा बतलाए गए सत्याग्रह या भूख हड़ताल का हड़ताल के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। एज मानी होता बिकॉज, क्योंकि दे वुड देन, क्योंकि तब वे क्या करेंगे, दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू अनकन्वीनियंस, टू इनकन्वीनियंस का मतलब होता है क्योंकि तब वे सिर्फ अपने आप को ही असुविधा में डालेंगे। पुट यानी क्या होता है, डालना, तो वे अपने आप के लिए जो असुविधा उत्पन्न करेंगे दूसरों के लिए नहीं करेंगे। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस का मतलब यह है क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ उन्हें असुविधा होगी। फॉर देयर कोज का मतलब होता है उनके हित को साधने में, और तब क्या होगा बच्चों, अपने हित को साधने में, अपने हित को पूरा करने में केवल उन्हीं को क्या होगा, असुविधा होगी, और उनके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी। उनके कारण जो है किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो यहां पर विकल्प के तौर पर जो है लेखक ने हमको सुझाया है कि अगर कोई आदमी विरोध करना चाहता है तो विरोध करने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी के द्वारा बतलाए गए सत्याग्रह अथवा भूख हड़ताल के मार्गों का अनुसरण कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वे सिर्फ अपने आप को ही असुविधा पहुंचाएंगे और बाकी अन्य लोगों को अपना हित साधन करने में दूसरे लोगों को असुविधा नहीं पहुंचाएंगे। ऑल दीज माइनर इश्यूज का मतलब होता है, ये सारे जो है बच्चों क्या है, ऑल दीज माइनर इश्यूज का मतलब ऑल दीज पेटी इश्यूज, समझ गए, इधर देखना आप, ये बच्चों माइनर शब्द है, ठीक है, और माइनर का उल्टा होता है मेजर, तो मेजर का मतलब होता है बच्चों प्रमुख, और माइनर का मतलब होता है जो प्रमुख नहीं हो। वैसे आप ये भी कहते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी देश में संख्या कम है वो तो माइनॉरिटी में आ गए हैं, मेजॉरिटी कौन है, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका मेजॉरिटी कहते हैं, क्लियर है। तो यहां बच्चों बताया गया कि माइनर इश्यूज ये शब्द आया आपके, तो माइनर इश्यूज का मतलब हो गया छोटे छोटे मुद्दे, ठीक है, तो माइनर इश्यूज का मतलब छोटे छोटे मुद्दे हो गया, इनको कह सकते हैं बच्चों आप पेटी इश्यूज। ये देखो दूसरा शब्द क्या है, पेटी इश्यूज, ये भी आप इन्हें कह सकते हैं, और चाहे तो बच्चों आप इनको कह सकते हैं एक दूसरा शब्द हो रहा हमारे पास टी आर आई एफ एल ई एस, ट्राइफल्स। समझे, कई बार हम कहते हैं वी शुड नॉट क्वारल ओवर ट्राइफल्स, हमको छोटी छोटी बातों पर झगड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट क्वारल ओवर पेटी इश्यूज, हमको छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ना नहीं चाहिए, क्वारल ओवर, ठीक है बच्चों, क्वारल विद और क्वारल ओवर दोनों सही होते हैं। तो ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ऑल दीज पेटी इश्यूज आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी छोटी छोटी बातें हैं बच्चों ये बेहद महत्व की बातें हैं, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े निष्कर्ष निकालती है, इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बेहद महत्व की बातें हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज, अगर इस प्रकार की चीजों को, इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, आर सेट राइट बच्चों पेशी वज का वाक्य, अगर इस प्रकार की चीजों को बिल्कुल ठीक कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए, अगर इस प्रकार की चीजों को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चों प्रोग्रेस माने उन्नति, प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि, एंड प्लेजर माने खुशी विल नॉक, वो क्या अंग्रेजी, विल नॉक एट अवर डोर्स, वो हमारे दरवाजे के ऊपर आकर के दस्तक देगी। अगर इन छोटी छोटी बातों को सही कर दिया जाए तो उन्नति समृद्धि और खुशी हमारे दरवाजों के ऊपर आके क्या देगी, हमारे दरवाजों के ऊपर आकर के दस्तक देगी। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा द चैप्टर इज ओवर, पाठ जो समाप्त हो गया है। या एक चीज मुझे आपको और समझानी है कि जो नोक शब्द है इसका मतलब बच्चों क्या होता है, देखो ये नोक शब्द जो है बच्चों इसका मतलब होता है दरवाजे पर दस्तक देना, पर जब मैं इसके बाद कहता हूं नोक एट या नोक ऑन, कौन सा सही है, आप में से सभी लोग जो है उन्होंने टेक्स्ट बुक में देख लिया, इसलिए सभी कहेंगे कि नोक शैल बी फॉलोड बाई एट एंड नेवर बाई ऑन, पर नहीं बच्चों, हम जो बताना चाहते हैं आपको बात वो ये है कि नोक के बाद बच्चों एट भी सही है और ऑन भी सही है, नॉक एट भी सही होता है, नॉक ऑन भी सही होता है, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर एंट्रिंग, प्रवेश करने से पहले आपको दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, और मैंने आपको कहा प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर एंट्रिंग, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, एक बात तो ये समझिए आप। और नॉक के बाद में बच्चों जब एक शब्द आता है डाउन, तो नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को दबोच देना अर्थात किसी को परास्त कर देना, ये देखो ये दूसरी फ्रेजल वर्ब है नॉक, नॉक डाउन, जैसे मैंने आपको कहा दो आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं और एक ने क्या किया, ठीक है, द रेस्टलर नॉक्ड हिम डाउन, द रेस्टलर नॉक्ड हिम डाउन का मतलब होता है कि जो मल्ल था कुश्ती खेलने वाला उसने उसको दबोच दिया, तो इसका मतलब होता है बच्चों धर दबोचना,
धरे दबोचना, ये हिंदी का शब्द है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखो बच्चों, मैं जो राइटर है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। क्या है एस एम गोयल साहब, द लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस। ये तो शायद आपको बता दिया हमने कि जो पाठ है बच्चों, ये सभ्य रहने के जो गुण हैं उनके लिए है, विच बी नोविंगली और अनोविंगली डोंट ओबे और फॉलो, जिनका हम जान करके या अनजाने में जो है पालन नहीं करते हैं। द लेसन इज ऑल्सो वेरी मच इंस्पायरिंग। इसके अलावा ये पाठ जो है बेहद प्रेरणास्पद भी है, टू इम्प्रूव अवर बिहेवियर। ये पाठ जो है बेहद प्रेरणास्पद है कि हम अपने बिहेवियर अर्थात अपने व्यवहार में सुधार करें, एंड मैनर्स और हमारे तौर तरीकों में सुधार करें, टुवार्ड्स अदर्स माने दूसरों के प्रति, एंड अवर सेल्फ और स्वयं के प्रति। ये पाठ जो है इस दृष्टि से बेहद प्रेरणास्पद है कि हम अपने बर्ताव में दूसरों के प्रति तथा अपने स्वयं के प्रति सुधार करें। इफ यू डेवलप सिविक सेंस, अगर हम सिविक सेंस को डेवलप करते हैं अर्थात हम सभ्य रहने के गुणों को विकसित कर लेते हैं इन अवर सेल्व यानी अपने आप में, अगर हम अपने आप में सभ्य रहने के गुणों को विकसित कर लेंगे तो क्या होगा, वी कैन मेक अवर लाइफ बेटर एंड हेल्दी। तो हम हमारे जीवन को बेहतर तथा अधिक पुष्ट या अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर, हर दृष्टि से बेहतर बना सकेंगे और साथ ही साथ हम अपने जीवन को जो है अधिक स्वस्थ बना सकेंगे। तो बच्चों, इस तरीके से आपका ये पाठ समाप्त हो गया है और आगे वाली क्लास में बच्चों, इसके ठीक आगे वाला पाठ इत्तफाक से मेरी बुक में नहीं है तो वो मैं आपको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, और इसके ठीक बाद में आपको जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों महात्मा गांधी वाला होगा, ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना के ऊपर प्रवचन, प्रार्थना के ऊपर प्रवचन नाम का जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू दैट, इसलिए आपको जब भी आप अगली क्लास में आएंगे तो थोड़ा सा उस पार्ट को पढ़ के आएंगे तो बातें आपकी थोड़ी और आसानी से और सरलता से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त और आगे वाली बात अगली क्लास में।